अफ्रीकन अमेरिकन्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू द यूएसए, यानी अफ्रीकन अमेरिकन उन दासों के वंशज हैं जो अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे। दीज पीपल वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेट एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट, और इस कारण लोगों के साथ भेदभाव और असमानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। हाउएवर थिंग्स बिगिन टू चेंज टू सम एक्सटेंट ऑन दिसंबर 1995, और 1 दिसंबर 1995 को इनमें कुछ बदलाव आता है। व्हेन रोसा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन स्टार्टेड एन एलिगेशन एजिटेशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टुवर्ड्स द अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो जो रोजा पार्क हैं वो आवाज़ उठाती हैं, अफ्रीकन अमेरिकन एक महिला थी, उन्होंने आवाज़ उठाई जो अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग हैं उनके लिए जो विभेदकारी नीतियां जो हैं वो उनके खिलाफ लगाई जा रही थी, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ लगाई। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम वर्क इन अ बस शी रिफ्यूज़ टू गिव अप हर सीट टू अ वाइट मैन। एक बार जब वो बस से सफ़र कर रही थी तो उन्होंने एक श्वेत व्यक्ति के लिए सीट देने से मना कर दिया। हर डिनाइल वॉज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू विच अफ्रीकन अमेरिकन वर टू गिव देयर सीट टू वाइट पीपल व्हेन द बस वॉज फुल। यानी कि ये वो समय था जब अफ्रीकन अमेरिकन्स को, यानी जो अश्वेत लोग हैं, उनको अपनी सीट छोड़ देनी होती थी यदि अगर बस भरी हुई है और कोई एक वाइट पर्सन आता है, तो उसके लिए उन अश्वेत लोगों को अपनी सीट से उठना पड़ता। उन्होंने इस बात को मना कर दिया। हर रिफ्यूज़ल स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल द सिविल राइट मूवमेंट्स, और उनके इस मना करने से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम था सिविल राइट मूवमेंट्स। द मूवमेंट लेड टू द इंट्रोड्यूस ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ 1964 विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड रिलीजन एंड नेशनल और नेशनल ओरिजिन। और इस मूवमेंट के कारण ही जो सिविल राइट एक्ट है 1964 में वो आता है, और उसके द्वारा किसी भी नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय ओरिजिन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बैन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बियॉन्ड बॉर्डर्स में दिया गया है। इट वॉज नॉट जस्ट इन द यूएसए दैट नॉन वाइट पर्सन वर डिस्क्रिमिनेट बाय द वाइट पॉपुलेशन। केवल अमेरिका में ही अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है। अ सिमिलर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रिवलेंट इन साउथ अफ्रीका। इस तरह का नस्लीय भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में भी प्रचलित था। हाउएवर इट केम टू एंड इन 1994 विद द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका में भी इस तरह की चीज़ें व्याप्त थीं, और इसका खात्मा वहाँ पर 1994 में होता है नेल्सन मंडेला के प्रयासों के द्वारा, जो लगभग 27 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया इसको लेकर, आंदोलन किए कई तरह के, गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे, और लगभग 27 साल उन्हें जेल में रखा गया। और जेल में जब रखा गया और जेल से जब वो छूटे तो नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ साउथ अफ्रीका में। देश के पहले राष्ट्रपति भी बने नेल्सन मंडेला, और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये भी काफ़ी प्रेरित थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो कुछ टर्म दिए गए हैं, की टर्म्स हमें, इक्वलिटी यानी समानता, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस राइट एंड अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत या अस्पर्श्यता, द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन सोसाइटी, यानी वो फॉर्म जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के साथ भारतीय समाज में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा।